क्या देख रहे हो श्याम? अपने माता पिता की तस्वीर। ओह, भगवान कृष्ण, बड़े भाग्यशाली हो तुम तो, जिसे ऐसे माता पिता मिले। खाना खा लिया? नहीं टीचर, अनाथालय में सिर्फ दो बार खाना मिलता है, एक बार सुबह एक बार शाम। दोपहर को तुम्हें भूख नहीं लगती? भूख लगती है तो पानी पी लेता हूँ, भूख मिट जाती है। मेरे पास खाना है, खाओगे? नहीं टीचर। थोड़ा सा खा लो ना। नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा आदमी हमेशा अच्छा ही रहता है। शेर कितना भी भूखा हो घास नहीं खाएगा, चंदन की लकड़ी जल भी जाए तो भी खुशबू देगी। सच? बैठो। ठहरो, एक शर्त है, बड़ा होकर जब मैं कमाऊंगा तो सारे पैसे दे दूंगा। चलो अच्छा ही हुआ, तब तक मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी, हाथ पैर तो काम नहीं करेंगे, तेरी मदद मिल जाएगी। श्याम, तुझे अनाथालय में रहना अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता टीचर, लेकिन क्या करूं? कहते हैं जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़ गई थी। श्याम, तू मेरे घर रहेगा, मैं तुझे मारूंगी नहीं। मैं माँ से तो नहीं डरता टीचर, लेकिन मैं आपके घर नहीं रह सकता। क्यों? अनाथालय में मेरा एक दोस्त है, भोला, बेचारा लंगड़ा है। अगर मैं आपके घर आ जाऊं तो उसका दोस्त कौन बनेगा? अपने आप तो ना भी नहीं सकता। कितने प्यारे बच्चे हो, न जाने कैसी पत्थर दिल माँ होगी जो ऐसे नन्हे फरिश्ते को अनाथालय में छोड़ गई। देखो टीचर, मेरी माँ को कुछ ना कहना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा सा खा लो। टीचर, तुम भी खाना खाओ ना। हाँ हाँ टीचर, ठहरो, मैं 1 2 3 गिनूंगा तो झट से खाना मुंह में डाल देना। रेडी, 1 2 3। टीचर, खाना खाओ ना। हाँ बेटे, खाती हूँ, ले तुम खाओ।